हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेन वर्मा। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर धर्मेन। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉलेज लेक्चरर यानी कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई हुई है, यदि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। बहुत ही यूजफुल बातें मैं आपको बताने वाला हूं यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब मैंने कॉलेज लेक्चर के ऊपर अपना सबसे पहला वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी, तो यदि उस समय जिन भी लोगों ने मेरा वीडियो देखा तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ कॉलेज लेक्चर की तैयारी में, और एक बेहतर तैयारी उनकी हो चुकी थी जब तक कि वैकेंसी आई थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि मेरे पास कई क्वेश्चन आए हैं मेरे व्यूवर्स के, स्टूडेंट्स के, वो कुछ बातें हैं वो पूछ रहे हैं, तो चलिए उन्हीं बातों पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बने रहेगा पूरे वीडियो मेरे साथ, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर आप नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलता रहे। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। दोस्तों बात करते हैं आरपीएससी द्वारा वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज व्याख्याता की, और अप्रैल में वो एग्ज़ाम होने वाली थी यानी कि 4 अप्रैल से एग्ज़ाम की शुरुआत थी, लेकिन कुछ कारणों से एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना पड़ा यानी कि स्थगित करना पड़ा। तो कारण क्या थे इस पर मैंने पहले वीडियो बना दिया है और वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, तो उसे आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्ज़ाम कब होने वाला है, और बहुत सारी जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में, जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारे डाउट्स आज इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, यदि आप भी कॉलेज प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात ये है कि कई कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले सेट का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर कॉलेज लेक्चर की जो एग्ज़ाम है वो डेट आएगी। तो यदि आप ऐसा सोचें तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचें, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर की एग्ज़ाम होने से पहले सेट का एग्ज़ाम होने का कोई चांस नहीं है। किसी भी प्रकार की संभावना यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही कि सेट का एग्ज़ाम पहले होगा। तो दोस्तों, यदि आप सेट या नेट पास नहीं हैं तो आप सेट के बजाय अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान नेट एग्ज़ाम पर दें, ताकि आपका नेट पास हो जाए और उसके बाद आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर की और अच्छे से तैयारी कर सके, उस एग्ज़ाम में टेंशन फ्री होकर के बैठ सके। तो दोस्तों, सेट एग्ज़ाम के भरोसे यदि आप बैठे हैं तो इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा, क्योंकि सेट एग्ज़ाम होने की बिल्कुल भी संभावना यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर के आपको पूरा ध्यान अपना नेट प्लस कॉलेज व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी उसकी तैयारी पर आपको लगाना है। यदि आपका नेट है तो पूरा ध्यान आप कॉलेज प्रोफेसर पे लगाएं, और यदि आपका नेट नहीं है तो आपको चाहिए कि आप अभी नेट पर भी अपना फोकस बराबर बनाए रखें। और अगली महत्वपूर्ण बात ये दोस्तों कि देखिए, अभी का ये जो टाइम है यानी कि जो कोरोना का ये जो दौर चल रहा है, बहुत ही परेशानियाँ, बहुत ही दिक्कतों भरा ये दौर है, समय है, तो काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही है, कई तरह की समस्याएं, क्योंकि संक्रमण जो है कोरोना का वो बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने अभी लॉकडाउन लगा रखा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी लॉकडाउन और बढ़ने की संभावनाएं पूरी पूरी बन रही है। तो दोस्तों, अभी का ये जो समय यानी कि पूरा मई आप ले लीजिए, और इसके भी आगे के समय का भी हम कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या सिचुएशन रहेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये जो टाइम है इसे आप पूरी तरह से अच्छे से काम में ले सकते हैं यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में बैठने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पिछली बार भी कई कैंडिडेट्स ने यही गलती की थी, वो इंतज़ार कर रही थी कि जब वैकेंसी आएगी उसके बाद ही हम शुरुआत करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे। तो उसके बाद हुआ क्या, आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी आ गया, और उसके बाद बहुत ही जल्दी जल्दी सारे कामों यानी कि जो सिलेबस है वो भी बहुत जल्दी जारी किया गया, उसमें कुछ बदलाव भी किया गया, और उसके साथ ही बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम डेट भी घोषित हो गई। कई कैंडिडेट्स का ये कहना था, उनकी ये शिकायतें थी कि उनको जो टाइम मिलना चाहिए प्रॉपर वो नहीं मिल पाया है। तो कुछ कारण भी उसके बाद रहे, जैसे EWS वाला कारण था, और भी कुछ कारण थे, इस वजह से जो डेट थी उसको स्थगित करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब की बार यदि जो भी डेट आएगी तो वो स्थगित नहीं होगी, ये मान लीजिएगा 101%। अब जो डेट आएगी उसको एग्ज़ाम ज़रूर होगा। इसलिए यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो अभी समय है, जो अभी लॉकडाउन चल रहा है, जो कोरोना की वजह से सारे एग्ज़ाम अभी स्थगित किए हुए हैं, तो इस समय को आप बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं, क्योंकि आप घर पे रह करके बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को स्पीड दे सकते हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि फिलहाल आपका बाहर निकलना वैसे भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अभी आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं,
तो इस समय आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स आपको पढ़नी है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वो आपने खरीद ली होगी, तो उन सारी किताबों को अच्छे से इस समय यानी कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये जो कोरोना संक्रमण का जो दौर है, जिस समय हम घर पे बैठे हैं, और इस समय को हम ऐसे ही बर्बाद नहीं करें इधर उधर की बातों में, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी पर रखें, और बराबर आप बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आपने इस समय को सही ढंग से काम में ले लिया तो एग्जाम में आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे और पक्का आपका सिलेक्शन आप पक्का कर पाएंगे। और अगली महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि कई लोग सोच रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो पता नहीं कब होगा क्या होगा, तो कई तरह के डाउट्स दिमाग में, तो यहाँ पर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ये जो कोरोना के कारण जो भी दिक्कतें हो रही है परेशानियाँ हो रही है कि सारे एग्ज़ाम स्थगित किए जा चुके हैं, तो जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी कोरोना कम हो जाएगा उसके बाद बहुत जल्दी इस परीक्षा का भी आयोजन कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि स्थिति सामान्य होने के अगले जो महीने और दो महीने आएंगे तो महीने दो महीने के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम का आयोजन कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि ये वैकेंसी जल्द ही पूरी की जाए। क्योंकि अभी पिछले सत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी और उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी जी द्वारा बहुत सारे नए नए कॉलेज खोले गए हैं, तकरीबन 100 के आसपास कॉलेज खोले गए हैं, तो नए कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, मांग है, तो इस वजह से सरकार भी चाहती है कि जल्दी इस परीक्षा का आयोजन हो और नए कॉलेजों को प्रोफेसर्स मिल सके। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे ही स्थिति सामान्य होगी उसके अगले दो महीने के अंदर अंदर इस एग्ज़ाम को करवा दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है तैयारी के लिए, बहुत बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं ताकि आप एक अच्छा प्रदर्शन आप एग्ज़ाम में कर सकें और अपना सलेक्शन डन कर सकें। तो दोस्तों इस तरीके से ये कुछ बातें थी जिनको लेकर के कैंडिडेट्स बहुत परेशान थे और कई तरह की विचार कई तरह की बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही थी, क्या करें कैसे करें एग्ज़ाम कब तक होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद पक्का आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दिशा दृष्टिकोण आपको मिला होगा कि आपको अब क्या करना है, अभी वाला जो समय है उसको क्या करना है। यकीन मानिए दोस्तों, इस समय को काम में आप अच्छे से लेते हैं तो फिर से कह रहा हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपकी एक सीट जो आपको पक्की करनी है वो सीट पक्की करने का ये अभी बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा समय, यदि आप इसको अच्छे से काम में लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तैयारी करेंगे तो पक्का आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल लेक्चर या और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको यूज़फुल वीडियोज़ मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, उनको देखने के बाद पक्का आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।